पोखरी में प्रधान संघ ने मनरेगा में हो रही परेशानी को लेकर ब्लॉक कार्यालय में एक दिवसीय तालाबंदी कर विरोध जताया है। प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष धीरेंद्र राणा ने कहा कि मनरेगा के तहत केंद्र और राज्य वित्त में कार्य करवाने की कई महीनों से परेशानी आ रही है। उन्होंने बताया कि कई बार शासन प्रशासन को समस्या को लेकर अवगत कराया गया है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं खंड विकास अधिकारी राजेंद्र विष्ट ने कहा कि प्रधानों को मनरेगा के तहत राज्य वित्त संबंधी जो समस्या आ रही है, उस संबंध में व्यापक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिससे शासन को भेज दिया गया है। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। एक तो जो ANMS का जो कार्यक्रम है जिसमें ऑनलाइन हाजिरी होनी है, हम पहाड़ों की इन कंदराओं वैसे लोग हैं जहाँ पे दूरस्थ क्षेत्र हमारे हैं, जहाँ आज भी जो है जो नेटवर्किंग की समस्या है और जबरदस्ती भारत सरकार के द्वारा हम पे थोपा जा रहा है कि आप लोग जो है सुबह 11 बजे हाजिरी देंगे, शाम को 4 बजे। लेकिन यहाँ सिस्टम ही यहाँ पानी तो पहले वो उसकी व्यवस्था करें। पहले आपका यहाँ पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है कि आपने यहाँ पे हमारी मांगों को लेकर के अपना अमूल्य समय दिया है। जैसे कि हम आपको बता दें कि आज पूरे प्रदेश संगठन ने यहाँ पे पूरे सभी ब्लॉकों में तालाबंदी रखी है। इसका मेन हमारा जो मकसद है, जो हमारी मांगे हैं, सबसे पहले तो सभी प्रधान लोग जो ये अभी एक नीति आई है मनरेगा में कि NMMS के जरिए ऑनलाइन हाजिरी का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप देख रहे होंगे विगत 1 वर्ष पूर्ण होने वाला है और इसके लिए इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था जो जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने भेज दिया है यहाँ से विकास खंड से, और कार्रवाई जो भी होनी है ये तो शासन स्तर से और पूरे प्रदेश की बात है, कोई एक विकास खंड की बात नहीं है। तो हम लोगों ने भी इनका ज्ञापन आया था, वो भेज दिया है। जो भी शासन निर्णय लेगा उसी के अनुरूप हम लोग अपने कार्य